हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका NKM47 प्रेजेंट्स में और मैं NM टाइगर मौर्य लेकर आ गया हूं एक और बार DMRC की अपडेट यानी कि दिल्ली मेट्रो फेज 4 की। फेज 4 के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूं और इसी के साथ साथ सिल्वर लाइन जो कि हमारी तुगलकाबाद से लेकर संगम विहार होते हुए आपकी एरो सिटी जाती है, इसका नाम बदलकर अब सिल्वर से गोल्डन कर दिया गया है। इसके पीछे क्या वजह है आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में काफी ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक करके शेयर जरूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कि आने वाली वीडियो आपको टाइम से टाइम मिल सके। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत 6 लाइनों को 2015 में अंतिम रूप दिया गया था जिसकी टोटल लेंथ 103.93 किलोमीटर की थी। इसमें से 45 स्टेशनों के साथ 3 लाइनों को प्राथमिकता दी गई जिसकी टोटल लेंथ 61.67 किलोमीटर की मापी गई। और आज हम लोग सिल्वर लाइन को गोल्डन लाइन के नाम से जानते हैं। आज मैं आपसे गोल्डन लाइन की बात करने वाला हूं और आपको इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाला हूं। मार्च 2024 में भारत सरकार ने 20.7 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 2 कॉरिडोर और जोड़े जिससे कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लंबाई है वो 85.86 किलोमीटर की हो गई। इसमें ग्रीन लाइन 12.37 किलोमीटर की इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ विस्तार है और 8.38 किलोमीटर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक है जो कि हमारे इसी गोल्डन लाइन से जुड़ा हुआ होगा। और आज हम बात कर रहे थे गोल्डन लाइन की जिसे पहले सिल्वर लाइन के नाम से जाना जाता था जो कि एरो सिटी से तुगलकाबाद के बीच बनाई जा रही है। इस लाइन के नाम को बदलने का मुख्य कारण यह है कि मेट्रो ऑलरेडी सिल्वर कलर की होती है जिससे इस पर लगाई जाने वाली सिल्वर पट्टी नजर नहीं आती, इसलिए इस लाइन के नाम को बदलकर गोल्डन रखा गया। इस लाइन की टोटल लेंथ 23.62 किलोमीटर की है जिसमें 16 स्टेशन होने वाले हैं। इसमें 4.27 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड और 19.34 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होने वाला है। इसमें 4.27 किलोमीटर का जो एलिवेटेड सेक्शन है वो MB रोड पे बनाया जा रहा है और ये आप देखेंगे तो इसे डबल डेकर बनाया जा रहा है जिससे कि ऊपर जो है मेट्रो चलेगी और नीचे की साइड में यहाँ पर MB रोड का ट्रैफिक जिससे कि इस रोड पे लगने वाला जाम जो है वो काफी कम हो जाएगा। गोल्डन लाइन के ऊपर काफी तेजी में यहाँ पर काम किया जा रहा है। अगर आप देखें तुगलकाबाद से लेकर छतरपुर तक यहाँ तक की अपडेट मैंने कवर कर ली है। मैं आपको इसकी अपडेट अगली वीडियो में देने वाला हूँ और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत काम इस वीडियो में भी देखने को मिल गया होगा। और यहीं पर अगर हम बात करें जो अपना साकेत से लेके साकेत जी ब्लॉक से लेके लाजपत नगर का जो एक और नया सेक्शन जोड़ा गया था उसमें भी काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सारी अपडेट आपको अगली वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टाटा, जय हिंद, जय भारत।